जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि हम किस टॉपिक के अंतर्गत पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में क्या किया गया है मसूरी के अंतर्गत पे, मसूरी से लेकर लबसना तक। लबसना का फुल फॉर्म क्या है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी, जहाँ पर क्या होती है IAS IFS या जो भी है उनकी ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत पर IAS ETC ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है सिविल सेवा के लिए। ठीक, इसके अंतर्गत पर 2.74 किलोमीटर का टनल प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू होना है। इसके अंतर्गत पर, इस वीडियो के अंतर्गत पर हम कम्प्लीटली रूप से आपको प्रोवाइड करेंगे कि आखिर इससे लॉस क्या है और आखिर कहां पर बन रहा है, किस रूप से बन रहा है। सबसे पहले हम मैप के माध्यम से जानते हैं आखिर है कहां पर। ये रहा प्यारा भारत के अंतर्गत पर से प्यारा उत्तराखंड, ठीक है ना। ये बनने वाला क्या है, तेलंगाना बनने के बाद में 27वें नंबर का राज्य बना था। और मसूरी कहाँ पर स्थित है, लबसना कहाँ पर स्थित है, देहरादून। ये हो गया देहरादून का मैप इस रूप से, जो उत्तराखंड की ग्रीष्म का शीतकालीन कैपिटल है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल तो चमोली के अंतर्गत पर स्थित है, जिसको कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी के अंतर्गत पे क्या है मसूरी, जैसे कि हमने पहले कहा, देखिए देहरादून का मैप ये रहा। ठीक है, अगर दूसरे की रिलेटिव रूप से बात करें, ये रहा देहरादून, यहाँ पे मेन है, और यहाँ पे मसूरी इसके अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित हो गया। इसी के अंतर्गत पे 2.74 किलोमीटर लंबी क्या बननी है, टनल बन है। ठीक, जैसे कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके अंतर्गत आया था, न्यूज़ के अंतर्गत पर, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत पर देखिए, उत्तराखंड CM एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू नितिन गडकरी फॉर अप्रूव ऑफ RS 700 करोड़ फोर टनल इन मसूरी। मसूरी के अंतर्गत पे क्या है कि 700 करोड़ का यह टनल बनना है 2.74 किलोमीटर के लिए। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ऑन ट्यूजडे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। कौन है जो है रोड ट्रांसपोर्ट, जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी हैं, फॉर द अप्रूव ऑफ द 700 करोड़ पे यहाँ पर अप्रूव किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द 2.74 किलोमीटर लॉन्ग टनल इसके अंतर्गत पे बनना है। ठीक है, कहाँ पर बनना है ये चीज़ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिटवीन बन रहा है माल रोड एंड लबसता, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी फोर, इसके अंतर्गत पे ट्रांसपोर्ट होता है मसूरी सिटी के अंतर्गत पे। और मसूरी टाइप की इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, जो भी है यातायात सुविधा, जो बहुत सारा इसके अंतर्गत पे रोड व्यस्त हो जाता है, तो इस पर क्या होगा, निजात पाया जाएगा। देखिए दूसरा ऑफिशियल लेटर था इसके अंतर्गत पर, इसको भी हम पढ़ लेते, थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप आसान शब्दों से इसके अंतर्गत पर समझ जाएंगे। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ऑन ट्यूजडे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी फॉर द अप्रूवल ऑफ 700 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.74 किलोमीटर लॉन्ग टनल बिटवीन द माल रोड एंड लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी फॉर द ईज ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन मसूरी सिटी। और उसी के अंतर की बात करें तो गडकरी इन्फॉर्म्ड थ्रू अ ट्वीट, ट्वीट के माध्यम से उनके द्वारा क्या किया गया है कि इन्फॉर्मेशन को बता दिया गया है कि कितने अमाउंट 700 करोड़ का जो है इसके अंतर्गत पर अप्रूव्ड कर दिया गया। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत पर नेशनल हाईवे की बात करें तो इसका नंबर कौन सा है, 707A इस हाईवे का नाम है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसके अंतर्गत पर मुख्य रीज़न क्या है इस टनल का बनने का, कि जो वहाँ पर स्थित है। ठीक है, मसूरी सिटी के अंतर्गत पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो काफ़ी अत्यधिक मात्रा में व्यस्त रहता है, और व्यस्त रहने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाती है, रोड बंद हो जाती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए लबसना तक क्या किया जा रहा है, 2.74 किलोमीटर टनल यहाँ पर अप्रूव करा दिया गया। ठीक है, सीधे केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकारों के अंतर्गत पर कुछ विवादास्पद बात है इसके अंतर्गत पर, अभी सुनने पर आ रही है कि उनके द्वारा विवाद किया गया है, कि वो उनका कहना है कि जो ये प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत पर चलेगा तो यहाँ पर उत्तराखंड, जैसे कि देखा होगा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था, बाद में तो इसका नाम 1 जनवरी 2007 में, इसको 2006 में जो अधिनियम लाया गया था उसके बाद में 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड तो हो गया था। ठीक है ना, तो इसी के अंतर्गत तो जो है ये उत्तराखंड के अंतर्गत में पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट होने के कारण जो पर्वतीय पहाड़ है, ठीक है, चट्टान को काट कर बनाया जा रहा है, और उसी के नीचे क्या है कि जैसे चट्टान कट के बन जाएगा तो उसके ऊपर एक जो बिल्डिंग है, जो पूरी सिटी रहती है, और वैसे भूकंप के अंतर्गत पर, और यहाँ पर जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जैसे चट्टानें दरक जाती है, चट्टानें खिसक जाती है, तो इससे भी यहाँ पर क्या हो सकता है, लॉस होने की बात कही गई है। जो यहाँ पर भूगर्भविद है तो उनके द्वारा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो सरकार है उनसे कोई, उनका कोई डिस्कस भी नहीं हुआ, कोई उनके द्वारा मीटिंग नहीं हुई, सीधे क्या किया गया है, जो राज्य सरकार है तीरथ सिंह रावत जी के साथ पे इसकी मीटिंग करके इसको फिक्स कर दिया गया है।
ठीक है ना। और इस पर जैसे विवाद है, इस पर तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है होते रहता है, लेकिन देखते हैं कि आगे इसके अंतर्गत पे क्या होता है, किस रूप से इसके अंतर्गत पे काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये टनल बन जाता है 2.74 किलोमीटर, तो एक अलग सा रहेगा और सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डेवलप्ड की बात इसके अंतर्गत पर हम कह सकते हैं। और जैसे और चीज़ें बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा, जैसे ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत पर जो जाम लग जाता था या मसूरी पर बर्फ़ पड़ने के कारण रास्ता ब्लॉक हो जाता था, तो इसके अंतर्गत पर ये क्या होगा, ये सुविधा जल्दी हो जाएगा, आवाजाही पर भी टाइम की बचत होगी। बहुत सारी प्रोसेस है इसमें, मेन चीज तो यही कि जो टाइम का प्रोसेस है, आपको जो इसके अंतर्गत पर रोड है तो काफ़ी घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अगर ये टनल बन जाता है 2.74 किलोमीटर, तो इससे काफ़ी अत्यधिक मात्रा में सुविधा होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ इन चीज़ों की बनती है तो आर्थिक, सामाजिक तथा इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तथा शहर में आवाजाही, ट्रांसपोर्ट, खासतौर पर यहाँ पर टूरिस्ट एरिया है तो जैसे घूमने के लिए काफ़ी अत्यधिक मात्रा में लोग आते हैं और गाड़ियों की भीड़ होती है, गाड़ी रोड ब्लॉक हो जाती है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हेल्थ संबंधी कोई भी चीज़ें, किसी को इमरजेंसी में जाना आना है, तो ये टनल क्या करेगा, उस चीज़ों को उसके अंतर्गत पे कट बनाए जाएंगे और उसको क्या किया जाएगा, सिटी के लिए इसके अंतर्गत पे माल रोड के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, जिसे आप मसूरी के अंतर्गत पर घूमने जाएंगे तो उसको माल रोड कहा जाता है, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत पर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से घूम सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत आपने बैकग्राउंड पर इमेज भी देख रहे होंगे कि इस रूप से यहाँ पर, ठीक है ना, जो मसूरी है, ये जो जो चीज़ है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, कहाँ पर क्या है, पूरा इसके अंतर्गत पे वीडियो। लेकिन इतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानिए कि मसूरी के अंतर्गत से लेकर लवसना तक 2.74 किलोमीटर का टनल प्रोजेक्ट चल रहा है, और जिसके अंतर्गत पे जिनकी प्रोजेक्ट कितनी है, 700 करोड़ रुपये यहाँ पर है, ठीक है। कुछ विवादास्पद बात है, कुछ इस चीज़ें उत्तराखंड UKSSC, UKPSC या UPSC के अंतर्गत पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर से रिलेट हो सकता है। हम कम्प्लीटली रूप से ये नहीं कह सकते कि एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, हम आपको ये सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस रूप से आपको जानना जरूरी है और इस प्रकार से क्या बताया, यहाँ से एग्जामिनर इंटरव्यू टाइम या किसी भी टाइम आपके लिए रिलेट कर सकता है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे कि इसके अंतर्गत पर आज के वीडियो पर हमने जाना कि मसूरी से उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो देहरादून सिटी है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंतर्गत पर मसूरी से लेकर और मसूरी के अंतर्गत पर 2 पॉइंट समथिंग, थोड़ा सा 2-3, 15-16 किलोमीटर के आसपास में लवसना है, ठीक है ना, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो अकेडमी है, तो वहाँ पर क्या बनना है, मसूरी से लेकर लवसना तो 2.74 किलोमीटर जो टनल प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू होने वाली है, ठीक है। समझ गए होंगे, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमें और भी इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं।